करेंगे, जहां पर सिरमिरी में मिलावटी सैनिटाइजर खरीदने का मामला प्रकाश में आया है। क्षेत्र में पार्षदों की ओर से वार्ड वासियों को आशीष केमिकल इंडस्ट्री इंदौर के नाम से स्टेप डी नकली सैनिटाइजर बांटा जा रहा था। जानकारी मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग से ड्रग इंस्पेक्टर जांच के लिए निगम कार्यालय पहुंचे। ड्रग इंस्पेक्टर ने सभी दस्तावेज और कागज देखते हुए सैनिटाइजर के सैंपल लिए। जनता सैनिटाइजर बांटा जा रहा है, उसको आम जनता, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत ही घटिया किस्म की सैनिटाइजर बांटा जा रहा है और उनके जो मूल्य हैं वो 10 गुना दर पर खरीदी की गई है। साथ ही ये सैनिटाइजर जो कंपनी सप्लाई की है और जहां बनाया गया है वो कंपनी के द्वारा भी ये कहा गया है कि उनका सैनिटाइजर नहीं है। कि आप ना तो लोगों को मास्क दिलाना चाहते हैं, ना तो आप लोगों को सैनिटाइजर दिलाना चाहते हैं, और बल्कि ऐसा भ्रम फैला के कि सैनिटाइजर नकली है बिना किसी जांच के, ये सिद्ध करता है कि ये लगातार जो इतनी विपत्ति है, देश के ऊपर में विपत्ति है, हमारे क्षेत्र के ऊपर में विपत्ति है, उसमें ये राजनीति करना चाहते हैं। बरेली में एसडीओपी अशोक घनघोरिया पर मारपीट।